तो एक बार फिर शुभ दीपावली आपको। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के बीच, साथ में मेरे एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी भी मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन और महंगाई पर। सीधे चलता हूं सुधांशु जी के पास। सुधांशु जी, कई सारी बातें प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कही, उनका कहना है कि खास तौर पर अगर जीएसटी सही है तो अब तो पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने चाहिए। जो बढ़ी हुई जीएसटी है, क्या उसका फायदा अब मिलेगा? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा, गौरव वल्लभ जी ने इस वक्त में, पिछले वक्त में बहुत सारी चीज़ें बोली। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, पिछले वक्त में उन्होंने पहला शब्द क्या बोला कि जयराम ठाकुर जी से यह सीखिए कि उन्होंने कहा कि मोदी जी की गलत नीतियों के कारण हमारे में। चुनौती से कहता हूँ गौरव वल्लभ जी, यदि जयराम ठाकुर जी का यह वक्तव्य आप दिखा दें कि मोदी जी की गलत नीतियों के कारण हम हारे, तो मैं क्षमा मांग लूंगा, अन्यथा आप क्षमा मांग लीजिएगा। यह दर्शाता है कि तथ्यों को किस ढंग से तोड़ मोड़ कर, अरे इतना इनके मन में आग्रह है, जिनके नेता को कोविड में मोविड नजर आने लगता हो तो इनकी आंखों में इतना मोदिया बिंदु हो गया है कि हर चीज में मोदी जी को लाने कर यह प्रयास करते हैं। अब आता हूं यथार्थ पे। इन्होंने कहा कि अचानक एक व्यक्ति एशिया का सबसे दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया, अचानक बन गया। अचानक बताता हूं क्या बने थे, यह बताइए, संजय गांधी के जमाने में पॉलिएस्टर रियान बनाने का कारखाने का एक्सक्लूसिव राइट, सिर्फ वो बनाएंगे नहीं बेचेंगे भी, वही रिलायंस को किसने दिया था? कांग्रेस के जमाने में, 1980 से लेकर 90 तक, जिस जमाने में रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी, हम लोग बचपन में सुनते थे, किसने उसको बनाया? स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार के जमाने में जलवायु जलाल रहा, उसके बाद एक झटका आया, याद करिए एलएनटी के शेयर किस ढंग से रिलायंस के गिरे थे जब वीपी सिंह की सरकार आई, और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, उसके बाद जो खुला, उसके बाद जो कुछ मिलना शुरू हुआ, किसको मिला ये बताइए? अडानी पोर्ट तो छोड़िए, अडानी को एफसीआई का वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि वो अनाज रखने का एक्सक्लूसिव राइट उनको 2006 में किसकी सरकार ने दिया? आपकी सरकार ने दिया। दिल्ली का बीएसईएस अंबानी को मिला, किसके जमाने में मिला? आपकी सरकार के जमाने में मिला। और तो और मैं कहना चाहता हूं, वो राडिया टेप याद है? एक बड़े उद्योगपति ने किस पार्टी के लिए कहा था, ये तो अपनी दुकान है, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था। इसलिए मैं कहता हूं हल्ला इतना मचाते हैं, और उसके बाद यथार्थ ये रहता अगर फैक्ट से सामना हो जाए। रही बात इसकी, इनको कॉर्पोरेट टैक्स कम करने पे बात आती है, हमने कम नहीं किया कॉर्पोरेट टैक्स, रैशनलाइज किया था, क्योंकि आज ग्लोबल कंपटीशन का जमाना है, हमारा टैक्स दुनिया में कहीं से ज्यादा था। और लिबरलाइजेशन और जो बेचने की शुरुआत है गौरव जी, बेचने की शुरुआत तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी वित्त मंत्री के रूप में, नरसिम्हा राव की सरकार में खुली अर्थव्यवस्था आई थी। अब आप तय कर लीजिए, वो बड़े अर्थशास्त्री या आप, या आप कहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां गलत थी और अब हम उस समाजवादी आर्थिक नीति पे जाना चाहते हैं जो इंदिरा गांधी के जमाने की थी, जिसमें नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज किया जाना था। हाँ, हो सकता है कि आपके दिमाग में वो भी आ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपको अपनी बात कहने की बात में, आपने कहा मंडी ना कहें, ठीक है मंडी में हम हारे, मगर मंडी से भी तो याद करिए, राहुल गांधी जी जिस राज्य से सांसद हैं, केरल, वहां मंडी नहीं है, यानी काला कानून लागू है, पर चूं से मुंह नहीं निकलता है उसके लिए। जहां आपकी राज्य सरकार है वहां पर महाराष्ट्र में, वहां कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग 2006 से है, राज्य सरकार का नियम है, और वहां की सरकार अपनी कैबिनेट की बैठक बुला के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग को निरस्त नहीं कर रही है, वो ये कह रही है कि हम आंदोलन में हिस्सा लेंगे। जहां पंजाब में इनकी सरकार है, वहां किसान को कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करने पे 5 साल जेल में रखने का प्रावधान है, वो आज तक संशोधन नहीं किया है। और ये गजब के उन किसानों अन्नदाताओं की बात कर रहे हैं दीपक जी, वो अन्नदाता 11 महीने से बैठे हुए हैं, ये कौन से किसान है 11 महीने से ना बुआई करने गए हैं, ना जुताई करने गए हैं और ना कटाई करने गए हैं? भाई कौन कर रहा है इनके बिहाफ पे? या तो ये इतने पैसे वाले हैं कि इनके बिहाफ पे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट कर रखा, वहां कारिंदे कर रहे हैं इनके, और या फिर इन्होंने अपनी खेती बटाई पे दे रखी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे खेती देकर, और अब कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं, और ये लोग उनका साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि अचानक कोई बन गया, इतना पैसा कहां से आया, तो सारी बातें जनता के सामने यथार्थ हैं। इसीलिए आप इतने वर्षों में जो कुछ भी बोलते रहे, जनता उसको स्वीकार नहीं करती रही, क्योंकि हकीकत कुछ और है और हल्ला मचाना कुछ और है। और मैं भी आपसे कहता हूं, आप तो आर्थिक दृष्टि से प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, राहुल गांधी को समझाइए कि इस प्रकार की नीतियां आप लेकर, आप सोचेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी के भटके हुए नौजवानों को लेकर
जो कि अपनी पार्टी का जहाज डुबोने के बाद कांग्रेस को डूबते हुए जहाज की संज्ञा देकर यहां ला रहे हैं और पूरी दुनिया में कब्जा खत्म हो गया, वो अब केवल नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में बचा और एक जेएनयू में बचा, और बचा कुचा माल आपने ले लिया है। उस नीतियों के द्वारा वो अपना, अपनी पार्टी का, देश का तो छोड़िए, अपना और अपनी पार्टी का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे। यह यदि आप उन्हें समझाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है प्रोफेसर गौरव वल्लभ, फिर मनोज सर से मैं फाइनल कमेंट लूंगा। प्रोफेसर साहब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस भटक गई है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है? आप आर्थिक नीतियों की बात कर लीजिए, आप लगातार उद्योगपतियों पर निशाना साध रहे हैं। उद्योगपतियों पर निशाना साधना, उद्योगपतियों को पॉलिटिकल वॉर का हिस्सा बनाना, मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ काम करती थी, पर यहां तो आपने लोगों को पार्टी बना लिया। अच्छा दीपक जी, तथ्यात्मक बात करूंगा, हवा में फायरिंग नहीं। जैसा सुधांशु जी ने अपनी बातें करी, एक भी तथ्य नहीं। पिछले एक साल में, इकोनॉमिस्ट मैगजीन का आंकड़ा दे रहा हूं, पिछले एक साल में गौतम अडानी की वेल्थ डबल से भी ज्यादा हुई है, $32 बिलियन। किस वर्ष में हुई बंधु? इससे पहले कौन से साल में हुई बताइए, वरना माफी मांगिए। सुधांशु जी मैं आपको चुनौती देता हूं यहाँ पे, किस वर्ष में उस व्यक्ति की आय डबल से भी ज्यादा हुई है, वो एक वर्ष बताइए। डबल छोड़िए, 70% भी बढ़ी हो, 50% भी बढ़ी हो, 40% भी बढ़ी हो, बताइए, वरना माफी मांगिए। डबल से भी ज्यादा हुई है गौतम अडानी की आय। जिस समय देश में कोरोना में आपके मेरे सुधांशु जी रिश्तेदार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, गंगा मैया में लाशें तैर रही थी, उस समय उस व्यक्ति की आय डबल से ज्यादा बढ़ रही थी। ये द इकोनॉमिस्ट का डाटा है, $32 बिलियन, $32 बिलियन आई कोट। तो आप जवाब दीजिए। आप फिर दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा कि डिसइन्वेस्टमेंट, पहले जवाब दे दे, पहले जवाब दे दे। सुधांशु जी ने हाथ उठा रखा जी, ले लीजिए सुधांशु जी, ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ मैं बिल्कुल जवाब देता हूं, मेरे तो किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। किसने बनाया था अंबानी को अंबानी? अडानी पोर्ट किसने दिया था? अडानी कमाल की बात है, का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था बताइए ना? जियो से दसगुनी हुई थी। अब सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट बात, अरे भाई बात सुनिए, आप इतने वरिष्ठ की मुझे टोकने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अब मैं एक बात बोल दूं, आपके कार्यकाल में तो अडानी की हैसियत दसगुनी हुई थी, किसी ने व्यवसाय किया ना किसी ने, अब बताइए, आप बताइए, लंदन की कंपनी में शेयर में होल्डिंग है बगैर काम धंधा किए हुए, बगैर नौकरी किए हुए, ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करने वाले, आप बताइए है कि नहीं, बोलिए। मैंने आपसे सवाल, मैंने पूछा था आपसे, शेयर होल्डिंग है कि मैंने आपसे सवाल पूछा था, आगे ना। हाँ तो मैंने बोला दस गुनी हुई है आपके कार्यकाल में, बीच में मत बोलिए, इनकम दस गुनी हुई आपके कार्यकाल में, उनको पोर्ट मिला कोरोना के काल के दौरान, अडानी की आय मैंने आपको जवाब दे दिया। दर्शकों कहता हूँ चेक कर ले, जब कांग्रेस सत्ता में आई तब अडानी में एक ऐसा उद्योगपति 2014 में सत्ता में गया जिसकी आय डबल से ज्यादा बढ़ी हो। मैंने दीपक जी इनको चुनौती दी कोरोना में, एक उन्होंने जवाब दे दिया प्रोफेसर साहब, उन्होंने बताया कि आपके समय भी 10 गुना बढ़ी थी, उन्होंने बताया आपके समय भी 10 गुना बढ़ी थी। अरे ना, ऐसे ऐसे तो 1000 गुना बोल दे, मेरे को सन बताइए और डाटा बताइए, मेरे पास उस व्यक्ति की हर साल की आय मेरे सामने बताइए, अरे बताइए ना कौन से साल में बढ़ी, बताइए ना, मैं चुप। अच्छा मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है कौन से साल में, अब आ गया ना इनका, दीपक जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मुझे 20 सेकंड का समय दिया जाए। नहीं, अब मैंने इनको सवाल पूछा, ये टाइटल कुछ नहीं, आप सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, सिर्फ मेरा समय, बीच में मत बोलिए, अंबानी की तो 100 गुना बड़ी इनके कारण, अब बीच में मत बोलिए, 100 गुना बड़ी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, फिर कैसे आपने, फिर आपने 2014 में सवाल सरकार गई तब से इस इन्वेस्टमेंट के बारे में चुनौती के साथ बोलता हूं जी, शांति से, मुझे पता है आपके तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, अब आप आइए दीपक जी, डिसइन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात, क्या भैया इसको सवाल का जवाब, आप मेकिंग दिस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट किया दीपक जी, कभी कांग्रेस ने कोई प्रॉफिट मेकिंग फर्म का डिसइन्वेस्टमेंट किया? क्या स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस की जो फर्म्स थी, कंपनीज थी, उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया? आपने तो सड़कों से लेके पावर की लाइंस तक अपने दोस्तों के हवाले का काम किया। अरे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें हैं,
अरे वो जो कंपनी आए वो प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है, मुझे यही रुकना है। काउंटर सुधांशु जी का, फिर मनोज सर से फाइनल कमेंट। सुधांशु जी एक काउंटर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी। चलिए गौरव वल्लभ जी, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बताइए जिसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ हो। एयर इंडिया प्रॉफिट मेकिंग, अभी बता देता हूँ, आइए बताइए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बताइए जिसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। अरे बता रहा हूँ ना, बताइए नाम, आपको अर्थव्यवस्था की जानकारी, बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए, शांति से सुनिए। कॉनकर, नाम सुना आपने कॉनकर का? रेलवे की PSU है वो, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर उसका, उसको कैबिनेट ने क्लियर कर दिया कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा। प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, प्रॉफिट मेकिंग फर्म, और अडानी का CEO बोलता है कि हमारे लिए कॉनकर खरीदना एक बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का, ये उनके शब्द है, आप थोड़ा गूगल करके पढ़ लीजिएगा। अब बताइए आप, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ऐसा एक उद्योगपति बताइए जिसकी आय कोरोना के दौरान दुगनी से ज्यादा बढ़ी हो। मैंने अडानी का नाम लिया, और बताइए ना, इधर उधर की बात मैं नहीं जाने दूंगा सुधांशु जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप तो कह रहे हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जितनी डिजिटल की कंपनियां थी उन सारी कंपनियों की बढ़ी है, अमेज़न की इनकम बढ़ी है, जो जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में थी सबकी बढ़ी है, और तो और भाई, अरे आय डबल से ज्यादा बढ़ी है। सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर मत जाइए, या कह दीजिए मुझे नहीं आता या मैं नहीं बता सकता, पर एक कोरोना के दौरान जब, अरे भाई मैंने तो आपसे कहा आपके जमाने में 10 गुना बढ़ी अडानी की इनकम, अंबानी की इनकम बढ़ी 100 गुना, और आपके यहाँ पे एक ऐसा किसान पैदा हो गया जिसकी हजारों करोड़ की इनकम हो गई। देखिए आप आगे ना इधर उधर की बात करने। अच्छा मैं, मुझे मुझे अब रुकना है, एक बार फिर इस नोकझोंक के लिए बैठ जाएंगे, एक बार फिर इस नोकझोंक के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है सुधांशु जी के पास भी बहुत तीर होंगे, प्रोफेसर साहब के भी बहुत तीर होंगे, बैठ के आप दोनों एक दूसरे को मारिएगा, हम इंजॉय करेंगे, मतलब शब्दों के तीरों की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन चलते चलते मनोज सर आप बताइए, सर आगे इकोनॉमिक रिकवरी आपको सरकार की किस तरीके से दिखाई दे रही है? मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक रिकवरी अभी बहुत अच्छी होगी, उसका कारण ये है कि पहले की जो भी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी सामने हमारे आना शुरू हो गया है। लेकिन साथ ही दीपक, मैं एक और बात आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो उद्योगपति हैं, चाहे वो अंबानी हो या चाहे कोई और हो, उनका हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम कोरोना काल की ही बात करें, अगर अंबानी नहीं होते, अगर अंबानी का 4G नेटवर्क नहीं होता, जो हम वर्क फ्रॉम होम की बात आज की बात जो पॉसिबल है, क्या वो बात हुई होती? आपको ध्यान होगा कि जियो के आने से पहले जो डेटा था 450 रुपीज़ पर GB का डेटा जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स थे एयरटेल और वोडाफोन वो बेचते थे, अंबानी के आने के बाद, जियो के आने के बाद वही डेटा 150 रुपीज़ पर मंथ अनलिमिटेड डेटा अनलिमिटेड वॉइस, वो चीज़ हो गई, और वो चीज़ आज की डेट में भी हमारे सामने है। अगर उद्योगपति नहीं होते, अगर पूनावाला नहीं होते, तो जो हम कहते हैं कि भैया 100 करोड़ आज हमने जो वैक्सीन लगाई है, वो वैक्सीन भी ये उद्योगपति है इसी के कारण हमने लगाई है। हमारी जो रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी जो हमारी हो रही है, इन्हीं उद्योगपतियों ने रिस्क लिया है, इन्हीं उद्योगपतियों ने पूंजी लगाई है, और इन्हीं के और इनका बहुत बड़ा बड़ा इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रार्थना है सारी पॉलिटिकल पार्टीज से कम अपनी पॉलिटिकल लड़ाई में उद्योगपतियों को बदनाम ना करें, इंडियन इंडस्ट्री को बदनाम ना करें। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, और उम्मीद करता हूं आप सबके लिए दीपावली बहुत बहुत शुभ हो। एक बार तमाम दर्शकों को न्यूज नेशन परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से, मेरे पैनलिस्ट की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट क्या कहते हैं? महंगाई के बावजूद देश आर्थिक मोर्चे पर कामयाब हुआ है, 88% लोगों का मानना है। हाँ, फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।